डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहले की तरह इस दफ़ा भी इंटरनेशनल सीरीज रखी है। लास्ट टाइम ये लोग दुबई में शायद इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही सब प्लेयर्स की। और डिसेबल, वैसे एक वर्ड तो डिसेबल का लगाया जाता है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं मतलब के इनको अलग नहीं समझता। जो एबल प्लेयर्स हैं और डिसेबल प्लेयर्स में कोई फ़र्क नहीं महसूस करता। और दो तीन चीज़ें ड्यूरिंग कोचिंग सेशन जो हमने किए थे एक साल डेढ़ साल पहले, जो कि नज़र आए और उसको पॉइंट आउट भी किया। जिस तरह आप लोगों ने कोचिंग में सुना होगा कि कोई अगर बॉलिंग कर रहा है तो किसी बॉलर का हाथ यहाँ से आना चाहिए, वहाँ से आना चाहिए, तो हम भी यही बिलीव करते थे। लेकिन ये फजूल बातें हैं, क्योंकि जब हमने देखा यहाँ पे डिसेबल को बॉल करते हुए, उसका एक हाथ ही नहीं था यहाँ पे, तो वो हाथ कहाँ से लेके आएगा? तो ये बायो मैकेनिक्स को यहाँ पे आके फिल कर देता है। ये अल्लाह ताला की देन होती है, बिल्ट इन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जिस टाइप की बॉडी होती है, छोटी बॉडी होती है, बड़ी बॉडी होती है, उस लिहाज से उसके अंदर फोर्स डेवलप की जाती है। और एक और रिसर्च की, काफ़ी बड़े कोचिज हैं रनिंग बिटवीन द विकेट की, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि तेज़ रनिंग किस तरह से की जाती है। मेरा इख्तलाफ रहा हमेशा से कि जो भी फोर्स जनरेट करता है वो पाँव के ज़रिए करता है, और जो आइडिया होता है रन लेने का, सेकंड रन ले रहे हैं तो पलटने का होता है। लेकिन कोचिंग बुक्स में आया है कि नहीं, शोल्डर से जो भागेगा, जो हाथ, कुछ प्लेयर बल्ला लेके, आपने नोट नहीं किया होगा, बल्ला लेके भागते हैं, कुछ एक हाथ में बल्ला होता है। तीन रन का जो टाइम नोट किया गया, अगर मतलूब जो इनका बैट्समैन है उसका एक हाथ नहीं है, उसकी टाइमिंग भी सेम है, और दो जिसके हाथ हैं उसकी टाइमिंग भी सेम है। तो यहाँ पे भी डिसेबल प्रूफ करता है कि बायो मैकेनिक्स को फेल कर देता है। तो अगर किसी को कोच बनना है या और रिसर्च करनी है तो मुवाजना करके करे, क्योंकि कहीं पे आके ये डिसेबल प्लेयर आके गलत साबित कर देते हैं नॉर्मल कोचिंग को। बाकी खेल जो है, चाहे वो पाकिस्तान टीम खेल रही हो या डिपार्टमेंट की या रीजन या एसोसिएशन या क्लब, बग़ैर स्पॉन्सरशिप के या बग़ैर सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं है। शुरू में मुश्किलात होती हैं, टीजिंग प्रॉब्लम होती हैं, और सलीम भाई ने जिस तरह से इनिशिएट लिया डिसेबल क्रिकेट का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चंद बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लेने वाले में से एक डिसीजन ये था कि डिसेबल की क्रिकेट बनाई जाए और खेली जाए। और इनको मैं मतलब के बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे भी, लेकिन डिसेबल की वजह से अमीरुद्दीन और पूरी टीम इनकी तारीफ के लायक है और करनी भी चाहिए। बाकी स्पॉन्सरशिप में आबाद ने जिस तरह से तामुन किया, अगर पिछले हम दौर में देखें, नेशनल बैंक ने किया और हंट ने किट बना के दी, ये छोटे छोटे से स्पॉन्सर होते हैं जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं खेलने के लिए। और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सुबान का नाम लिया, शरियार साहब या इसके पीछे जितने भी लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पापा जी हो गए या इकबाल भाई हो गए, इंतखाब आलम हो गए, बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने चीज़ को देखा परखा और इनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया जो कि इनके पास था उस पर सपोर्ट की। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इन्होंने मतलब के हाथ पकड़ा है इनका, इनको मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल इवेंट कराना या पूरे पाकिस्तान से हर सिटी से प्लेयर्स को चूज़ करना, उसको सिलेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, मतलब के बहुत आसान नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से अपने आईन में तरमीम की हुई है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, और पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन डिसेबल को भी अपने आईन में लेके आए, ठीक है। स्पेशल क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट है इनके पास, वीमेन क्रिकेट है और दीगर क्रिकेट्स हैं इनके पास, क्रिकेट हैं, लेकिन डिसेबल क्रिकेट अभी तक इनके आईन में अब कर लिया हो, मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हुआ तो मैं मीडिया के तवसत से अपील करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि डिसेबल क्रिकेट को भी अपने विंग में लें। तो पाकिस्तान के जो जितने भी एरियाज हैं, ब्लाइंड हो गए, स्पेशल हो गए, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट के बैनर तले आ जाएंगे, और इनको सपोर्ट करें।
और ये जो मैचेस होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के दौरान, मैं अमीरुद्दीन से यही कह रहा था कि नाइट में कर लें तो देखने व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, लेकिन जो भी जिस तरह से भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूंगा खुद भी अगर अवेलेबल हूं, खुद भी ग्राउंड पे आऊं, देखूं और सपोर्ट करूं इन लोगों को, और आइंदा भी डिसेबल क्रिकेट भी कोशिश करें कि अफगानिस्तान का टूर करे या कहीं पे भी हो, हमारी पूरी सपोर्ट इनकी मैनेजमेंट के साथ है। और एक दफ़ा फिर साफ़ी हजरात जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डे वन से डिसेबल को सपोर्ट किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। और आखिर में चेयरमैन आबाद के जो जिन्होंने सपोर्ट किया है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से आपने इनका हाथ पकड़ा है, और आइंदा भी इन्हीं का हाथ पकड़ के आगे चलें। बहुत शुक्रिया।